कादर खान के अंतिम दर्शन को भी तरस जाएंगे भारत के फैंस। निधन की खबर सुन रो पढ़ा पूरा बॉलीवुड। कादर खान के निधन की खबर से पूरे देश में नए साल का जश्न का ठंडा पड़ गया है। बॉलीवुड ने एक दिग्गज एक्टर, कॉमेडियन और राइटर को खो दिया है। 81 साल के कादर खान ने कनाडा के अस्पताल में अंतिम सांस ली। कादर खान के निधन की खबर को उनके बेटे सरफराज ने कंफर्म किया है। कई सालों से कादर खान कनाडा में रह रहे थे। कादर खान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कनाडा में ही होगा। कादर खान के करीबी रिश्तेदार अहमद खान ने बताया, कादर खान अपनी पत्नी हजरा, बेटे सरफराज और पोते पोतियों के साथ रहते थे। उनका अंतिम संस्कार टोरंटो के कब्रिस्तान में होगा। सरफराज ने बताया, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने 31 दिसंबर को शाम 6 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने बताया कि कादर खान दोपहर में ही कोमा में चले गए थे। सरफराज ने कहा, हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ हैं और हम यहीं रहते हैं, इसीलिए हमने यहीं अंतिम संस्कार करने का फैसला किया है। कादर खान 15 से 16 दिन से कनाडा के अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके निधन की अफवाह भी उड़ी थी। इस खबर को कादर खान के बेटे सरफराज ने झूठा बताया था। वहीं सोशल मीडिया पर भी कादर खान के निधन की अफवाह उड़ने पर यूजर्स ने गुस्सा दिखाया था। कादर खान के निधन से पूरा बॉलीवुड गमगीन हो गया है। FTAII के पूर्व अध्यक्ष और एक्टर गजेंद्र चौहान ने कादर खान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा, कादर खान एक संपूर्ण कलाकार और कंप्लीट राइटर थे। हम सब दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएं। ये बहुत दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी कलम में बहुत ताकत थी। बता दें कि कादर खान के निधन से सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कादर खान के फैंस उनके निधन से बेहद दुखी हैं। अमिताभ बच्चन ने भी उनकी सलामती की दुआ की थी, लेकिन कादर खान जिंदगी की जंग हार गए। शक्ति कपूर भी कादर खान के निधन की खबर सुन रोने लगे।